और शिमर का बाप सैयद अली का बड़ा वफादार था, सिफीद के जंग में सैयद अली पर जानिसार किया, कुर्बान हो गया। हालात बदलते हैं कि देखिए, बाप जाके वफादार, बेटा दुश्मन, बेटा दुश्मन, बाप वफादार। कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, ये इतने ज्यादा तो बोला, आज हुसैन छुट जाएंगे हाथ से, फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, बड़ी कुव्वत के साथ आकर तुमको कुचल डालेंगे। उमर रिश्तेदार है, साजिश कर रहा है वो, ऐसा मालूम होता है। आप कमबख्त शकी, पहले इतने ज्यादा जरी सी रोशनी मिली थी, ये लई ना के अंधेरा कर दिया। फिर लिख दिया अमर से, वे की हुकूमत चाहते हैं तो फौरन ऐलान जंग करो, जंग नहीं करना चाहते हैं तो चार शिमर को दो, तुम लश्कर से अलहदा हो जाओ। अमर उमर में साथ ने जो देखा खत को, कहा कि कब्बख्त, आखिर आग सिल गया, अल्लाह ने फजल फरमाया, आग जंग की ठंडी हो गई थी, ये क्या हो सब किया तू, क्या हो सकता। अब ज्यादा बोले तो बर्खास्त, यहां भी बर्खास्त, रे की हुकूमत ही बर्खास्त। अब रे की हुकूमत के लिए सब कुछ करने तैयार है, ईमान है लेकिन जोर का शिकार है। अल्लाह पहले तो इम्तिहान का लेसा है, उमर में साथ तो बड़ी चीज है, शिवर ही बनने तैयार है लोग। अब माता गुरु क्या होता, आजमा के देखो, आजमाए नहीं गए, हुकूमत देखे आजमाया तो आजमाते कितने निकलते देखो। एला ने जंग किया तो इमाम आलिम खान ने कहलवा भेजा। एक रिवायत में आया है, 8 तारीख से पानी बंद और 9वीं तारीख को पानी खत्म हो गया, तो इमाम आलिम खान ने 30 सवार 30 पैदल आदमियों को भेजकर 20 मशकें पानी की भरवाकर मंगाई आ गई थी। अब रुलाना है खूब, जितना बेबस करके बतला उतने धाड़े मारते हो, और जाकर तो पैसे ही मिलते, यहां अल्ताफ हुसैन को मिलते क्या, अपने ईमान ताजा करना है, अपने को सही दीन पहुंचाना है, सही हुब्बे हुसैन पैदा करना है, हुब्बे अली भी पैदा करना है, हुब्बे अबू बकर भी पैदा करना है, हुब्बे उमर भी पैदा करना है, हुब्बे हुसैन भी पैदा करना है, हुब्बे उस्मान भी पैदा करना है, यहां तो अल्लाह के वास्ते वहां मिला है। आपने फरमाया आज शबे आशूरा है, हक परस्तों की रातें कैसी होती है, आज की रात इबादत के लिए छोड़ दिया जाए। अमर बिन साद ने शिमर और दूसरे सरदारों से मशवरा करके मोहलत दिया, इधर रात तमाम इबादतें हो रही है, माए नौजवानों को तैयार कर रही है हक के मैदान में मुजाहिद बनाकर शहादत का दुल्हा बनाने के लिए सरों में कंघियां कर रही हैं, वसीयतें कर रही हैं कि बेटे जब तक आंख सलामत रहे हुसैन पर आंच ना आने देते। इमाम आलिम खान शब आशूरा इबादत फरमा रहे, सुबह हो गई, मैदान जंग में इमाम आलिम खान घोड़े पर सवार हो गए और घोड़े को दौड़ाते हुए सामने आए, कहा कि ऐ कौम, उजलत से काम मत लो, हक बात सुन लो और पहले अच्छी तरह सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारी तबीयत में आए कर गुजरो। एक बलीग तबलीग आपने तकरीर फरमाई, मुझको पहचानो मैं कौन हूं, हुजूर के लखते जिगर, फातिमा का लखते जिगर हूं, हुजूर ने मेरे हक में क्या फरमाया, पूछो उन लोगों से जो तुम में है, पूछो अनस बिन मालिक से, पूछो जैद इब्न अरखम से, पूछो बड़े बड़े सहाबा का नाम आपने लिया, उनसे जाकर पूछो हमारे फजाइल। लेकिन वही रास्ते में इमाम आलिम खान जब आ रहे थे, फरसदक शायर मिला था, आपने पूछा है फरसदक तू कूफे वालों को किस हाल में छोड़ा, तो फरसदक बहुत खुश हुआ, कहा कि इमाम मेरी जान आपका कुर्बान, आप जिससे पूछ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वाकिफ कार से पूछ रहे हैं, इमाम कूफे वालों को देख के आया मैं, बहुत बड़ा लश्कर था आपके मुकाबले के लिए निकलने वाला, लेकिन सबके दिल आपके साथ थे लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं, दिल तो आपके साथ हैं
लेकिन दुनियादारी के लिए पैसे के लिए उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ यजीद के साथ रही। आप बच जाइए वहां पर। और हातिम ताई के पुत्र तिरंगा ने तो कह दिया था यमन चलिए कबीले आ जाओ सुलमा में बहुत बड़े खिले पहाड़ों पर है और ईरान रोक के बादशाहों से हमने जिहाद किया कुफर के जमाने में और खिलों में पता ली हमेशा कामयाब रहे। 8 रोज में 20,000 सिपाहियों का इंतजाम मैं करूंगा। हातिम के पोतरे ने कहा आपने फरमाया कि हुरित ने यजीद का मेरा वायदा हुआ मैं आगे निकल नहीं सकता हर कदम पर है। एक बड़ी बलीग तकरीर फरमाई देखो मेरी वालिदा कौन है जिनको सरकार ने सैयद इसाइल आलमीन सारे जहां के औरतों का सरदार कहा। मेरे वालिद के चचा कौन है हजरत हमजा सैयद शहदा दसम नामा बयान फरमाकर कहा कि लोगों क्या आप भी सोचो मुझसे जंग करना तुम्हारे लिए हलाल है क्या जबकि हम अपने नाना जान की सुन्नतों को देख रहे हैं वो मिट रही है और दीन को खेल बनाया जा रहा है बैतुल माल को घर का खजाना बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ जिहाद के लिए मैंने बुलाया तुम लोगों ने खिलाफत के लिए दावत दी मैंने लब्बैक कहा तुम्हारी राय बदल गई है तो फिर मुझको वापस जाने दो। कोई सुनवाई नहीं। शिविर ने तीर चलाकर गन का आगाज किया इधर से भी जान निसार टूट पड़े। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा और हबीब इब्ने मुताहिर बड़े बड़े जान निसार और जंग होने लगी होते होते हुर 4,000 लश्कर में से 1,000 का सरदार हुर था अपने घोड़े को खरीद करता करता इमाम आले मुकाम के लश्कर में घुस पड़ा और इमाम आले मुकाम के सरों पे गिर पड़ा कहा इमाम मुझे मालूम नहीं था ये कब तक यहाँ तक आएंगे अगर मुझे ये मालूम होता तो कभी आपका रास्ता नहीं रोकता मेरी खता माफ कीजिए मेरी जान आप पर कुर्बान है। इमाम आले मुकाम ने फरमाया हुर अल्लाह हर तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है अत्ता मेरा जम्बी कब अल्लाह जम्बला तौबा के करने वाला ऐसा है गोया के उसने गुनाह किया ही नहीं। अब हुर इब्ने ज़ियाद यजीदियों को खिताब किया ललकारा उनको जहन्नम की खबर दिया तो हुर पर तीरों की बारिश होने लगी। वो बेपनाह जज्बे शुजात के साथ तलवार लेकर मैदान में यजीदियों पे हमला करता हुआ शहीद हुआ। तकरीबन एक एक जान निसार शहीद हो रहे हैं घुमसान की जंग हो रही है उसमें हबीब इब्ने अबू साबित साइदी ने हबीब ताहर से कहा वो गिर पड़े शहीद हो रहे कहा कि अगर मुझे यकीन होता कि आप जीने वाले हैं तो मैं आपको वसीयत करता कहा वसीयत ये है कि जब तक एक आंख भी तुम्हारी सलामत रहे। इमाम आले मुकाम के तरफ इशारा फरमा कर कि इमाम के करीब दुश्मन को गुजरने मत दो अपनी जान कुर्बान कर दो। अब जान निसारों ने देखा पता तो नामुमकिन है और इमाम आली मुकाम के सामने ही अपनी जान का नजराना जाने जा के सुपुर्द कर दे तो इससे बढ़कर शहादत क्या होती है। उसके बाद इमाम आली मुकाम के अहले बैत की बारी आई बीच में इमाम आली मुकाम ने नमाज ज़ोहर सलातुल खौफ के अंदाज से अदा की यानी एक सफ एक रकात पढ़ी इमाम आली मुकाम नमाज पढ़ा रहे हैं एक रकात पढ़ने के बाद वो जिहाद को चले गई दूसरी सफ आई वो अदा की गरज के नमाज खौफ के तौर पर नमाज ज़ोहर अदा की गई जंग के मैदान में। उसके बाद अली इब्ने हुसैन अली अकबर तशरीफ लाए। अली अकबर के ताल्लुक से बयान किया गया है कि अली अकबर हुजूर सरवरे कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल हमशबी थे। सरकार के देखने की तमन्ना रखने वाले अली अकबर को आकर देखते थे कि सरकार का चेहरा नजर आता था। बड़े साहिबजादे हैं अब्बा जान के हुजूर में आकर हाजिर होकर इजाजत खिताल तलब कर रहे हैं और मैदान में शेर की तरह निकले और जौहर और अपने शजाअत के बतलाकर वो भी शहीद हुए। इमाम आले मुकाम दौड़ रहे हैं साहिबजादे के लश्कर को साहिबजादे की नाश को उठाकर अपने अपने खैमे के सामने रखे एक एक शहीद की नाश को उठा रहे हैं
خیمے کے سامنے جمع کر رہے ہیں, اور حضرت قاسم حضرت حسن کے صاحبزادے میدان جنگ میں اجازت لے کر آتے ہیں اور اپنی شجاعت کے بے پناہ جوہر بتلاتے ہیں, اور ان پر عمر بن سعد نے وار کیا. آپ نے پکارا, یا اما چچا جان آئیے میری مدد فرمائیے. حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں اور ابن سعد پر آپ نے وار کیا, ہاتھ اس کا کٹ گیا. اتنے میں حضرت قاسم گرے اور اپنی جان جانے جہاں کے سپر فرما دی. ان کے لاش کو بھی کھانے پہ ڈال کر حضرت حسین خیمے کے سامنے جمع رہے ہیں. 72 افراد خاندان کے ارکان کی لاشوں کو آپ نے جمع فرما دیا, سب شہید ہو گئے. امام عالی مقام یکا وطن آئے. خیمے میں شیرخوار شہزادہ جن کا نام کامل ابن اسیر میں عبداللہ کہا گیا ہے, جن کو لوگ علی اصغر کہتے ہیں. علی اصغر تو زید العابدین ہے, علی اکبر شہید ہو چکے, علی اصغر زید العابدین, تو وہ تین کا نام اور یہ عبداللہ نام تھا. 6 مہینے کے ہیں. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے. پیاس سے بلبلا رہے ہیں, لشکر کے سامنے خیمے کے سامنے بیٹھے امام علی مقام اپنے خشک زبان اثر شیر خار کے منہ میں دے کر چسا رہے ہیں. پانی تو نہیں مل رہا, کن کو نہیں مل رہا ہے؟ پیاسوں کو. قیامت کے میدان میں پیاسوں کو کوثر تقسیم کرنے والوں کو پانی نہیں مل رہا ہے. امام علی مقام نے کہا کہ لوگوں کم سے کم اس شیر خار کے لیے پانی تو دو. لیکن وہاں ظالم ظلم کی انتہا پر ہے. سخاوت آج اپنی انتہائی سخاوت کا مظاہرہ کر رہی ہے. ایک ظالم سخت دل کا دل سخت ہوا اور کمان پر چھلا چھکایا اور تیر چھوڑا. شہزادہ 6 مہینے کا پانی جانے کے بجائے حلقوں پہ تیر چلا گیا, اور امام علی مقام نے اس شہزادے کا خون اپنے ہاتھ میں لیا, آسمان کے طرف اڑایا. پروردگارا تو ملاحدہ فرما, بجائے پانی اس کے سینے میں جانے کے تیر چلا گیا ہے. اس شہزادے کو بھی اپنے خیمے کے سامنے لٹا دیا. گھوڑے پر سوار ہو کر آپ حملہ فرما رہے ہیں, اور عالم یہ ہے جدھر آپ رخ کر رہے ہیں دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہا ہے. 33 زخم بھالوں کے, 34 زخم تلوار کے. امام آل مقام کے جسد اٹھر پر ہے. شاید ہماری تسبیح فاطمی یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھے, 33 بار الحمدللہ پڑھے, 34 بار اللہ اکبر پڑھے. یہ ہم ناتوانوں کا پڑھنا ہے, اور وہ بھی 33 مرتبہ پڑھے ہیں تو ڈھالوں کے زخموں سے پڑھے ہیں اور تلوار کے 34 زخموں سے پڑھے ہیں. ان کا پڑھنا کس انداز کا ہے اور ہمارا پڑھنا کس انداز کا ہے, کتنا فرق ہے. سارے اہل بیت شہید ہو چکے. خیموں میں آواز آئی عورتوں کے رونے کی. آپ دلاسا دیے جا کر ہمشیرہ حضرت زینب کو سمجھایا, فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد سینہ کو بھی نہیں ہونا, باتم نہیں کرنا, آواز سے نہیں رونا, دامن صبر کو تھامے رہو بہن. کیا اونچے عرش تک پہنچنے والے کردار ہیں الحسن والحسین, سیدا شباب اہل الجنہ. حسین اور حسن نوجوانان جنت کے سردار ہیں. سردار کے کام بھی سردار ہے, ان کی عبادت بھی سردار ہے, ان کا جہاد بھی سردار ہے, ان کا صبر بھی سردار ہے. جب شبر نے دیکھا لوگ حملہ کرنے میں پسو پیش کر رہے ہیں, اپنے شخی خاص دستے کو لے کر کہا ایک تو حملہ کرو. پیاس کی شدت ہے, رنج و علم سے قلب اتھر زخمی ہے, جس میں پان پر 33 بھالے کے اور 34 تلوار کے زخم ہے, نیزوں کے زخم اس کے علاوہ ہیں. آخر کمبختوں نے اشقیا نے ایک دم حملہ کیا. امام علی مقام کہ جن کے شہادت کے لیے جب یزید لشکر حملہ آور ہو رہا تھا, زمین ہل رہی تھی, آسمان کانپ رہا تھا, آفتاب کا رنگ بدل گیا,
سرخی آ گئی, دو مہینے تک جب آفتاب نکلتا ایسا معلوم ہوتا ہے امام علی مقام کی شہادت کے بعد گویا خون رو رہا ہے, خون نکل رہا ہے. زمین پر آ گئے امام علی مقام, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد شمر نے اس ابن زیاد کی اس حکم کی تعمیل بھی کرائی کہ قتل کے بعد ان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے. اشقیا تیار ہوئے, گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندا گیا, لیکن وہ قربانی کا معیار دیکھو, ان کی روح بھی قبول ہو گئی, ان کے 72 نفوس بھی قبول ہو گئے, اور 6 مہینے کا شہزادہ بھی قبول ہو گیا, اور حتیٰ کہ اجسام اطہار بھی قبول ہو گئے. اب وہاں سے دشمن خیموں میں گھسانے لگا. عمر ابن سعد آگے آ گیا, کہا کہ خبردار خیموں کے قریب کوئی نہ آئے. شبر نے حضرت زین العابدین جن کا نام علی ہے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا, حبیب ابن مسلم نے روک دیا, کہا یہ بیمار ہے لڑکا, ان کو کیوں تم قتل کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد یہ لٹا پٹا قافلہ بدبختوں نے لے کر کوفے کی طرف ابن زیاد کے دربار کے راستہ لیا, تو ظالموں نے ہر حرکت سے ظلم کو ظاہر کیا, باطل پرستی کو ظاہر کیا. خاندان نبوت کے شہزادیاں کہ جن کے چہروں کی چمک کو آسمان نے کبھی نہیں دیکھا, کھلے بازار بے پردہ لائی گئی, چادریں سڑوں سے کھینچ لی گئی, کفار بھی وہ مظالم نہیں کیے, اور سارے بار رقین اس پر مجتمع ہے کہ ظالموں نے حرکت کی, العابدین کو بیڑیا پہنا دیے گئے. اللہ اکبر, ان کے دلوں پر کیا مہریں لگ گئیں. پھر نماز کی پابندی بھی ہے اور امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں. وہاں تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ دونوں شہزادے حضور کے گود میں ہے اور حضور دعا فرما رہے ہیں, اللہم انی احبہما واحبہما واحب من احبہما, پروردگارا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنائیے اور ان لوگوں کو بھی محبوب بنائیے جو حسین و حسن کو اپنا محبوب بنا لیتے. کتنی بڑی دعا ہے. امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے پہ رکھ کر لے جایا جا رہا ہے, جمعہ کا دن ہے, قیامت کے آنے کا دن بھی جمعہ یوم عاشورہ ہے, امام علی مقام کی شہادت بھی جمعہ کے دن یوم عاشورہ کے دن. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسرافیل اب سر پھونکنے والے ہیں, جب سر پھونکنے والے ہیں. حضرت زینب کا خطاب ہے, آپ دیکھ رہی ہیں کوفے کے سب لوگ عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں, مرد بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں, عورتیں بالیں کھول کھول کر رو رہے ہیں, ادھر دیکھیں ماتم کرنے والے ہیں یا حسین کہہ کر رونے والے ہیں, مرد بھی رو رہے ہیں, نوجوان بھی رو رہے ہیں, ضعیف بھی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ سب میرے حسین کے چاہنے والے ہیں, تو میرے حسین کے ختم کرنے والے کون تھے؟ اور بزدلہ نے بلایا لیکن ساتھ نہیں دیا. باشخی ازلم کالے دل والا ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے, حضرت حسین کا سر اقدس تشت میں اس کے سامنے رکھا ہوا ہے, نظر ڈالا شہزادیاں تیرو دیا کی بھرے دردار ہوئے, بے پردہ بڑھنا سر بہنے کچھڑے کپڑے دیے ہوئے چہرے ہو, آفتاب بھی شرما رہا ہے, چاند بھی ان کے حسن کے سامنے شرما رہا ہے, اپنی بھائی بھتیجیوں کو اپنے سہارے میں لے کر زینب بیٹھی ہوئی ہے, ساری ذمہ داری. شکر زینب پر. سخی نے پوچھا وہ خاتون کون ہے؟ پہلے کچلے کپڑے پہنے بیٹھی سیدہ کی صاحبزادی حضور کی نوازی. حضرت زینب نے جواب نہیں دیا,
फिर पूछा कौन है वरु औरत, जैनब ने जवाब नहीं दिया। तीसरे मरतबा पुकारा तो जैनब की लौंडी ने कहा ये जैनब बिनत अली है, जैनब बिनत फातिमा है, सरकार की नौबत। जबान पे कलमा था, जबान पे कुरान था, कब वक्तों के दिलों में कहा है। उस जालिम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल को ठंडक पहुंची। सैयदा ज़ैनब बड़ी खतीब है, बड़ी फसीहा बलीगा अली की बेटी है, जो इल्म का दरवाजा है। फरमाया तारीफ उस जात के लिए है, शुक्र उस जात का है जिसने हमारे खानदान में नबूवत जैसी नेमत को रखा है। इंतजियात तेरा दिल ठंडा पड़ा है हमारे छोटे बड़ों को खत्म करने से, ठक तक समझ ले, लेकिन आतश जहन्नम से तुझे निजात नहीं मिलेगी। गुफ्तगू तेज होने लगी, उतने में उसकी नजर हजरत ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी। 18 साल की उम्र है, बीमार थे। कहा ये लड़का कौन है? कहा इनका नाम भी अली है। कहा अली तो वो मारा गया। कहा नहीं, वो बड़े अली अकबर है, वो तो इनको क्यों जिंदा रखा गया है? उनकी खतीब की तैयारी होने लगी, हजरत ज़ैनब ने उनको चिपटा लिया। हजरत ज़ैनब ने इब्न ज़ियाद से कहा कि इब्न ज़ियाद अभी तेरे दिल को ठंडक नहीं हुई है, और मेरे भतीजे तख्त जिगर को तू खत्म करना चाहता है तो पहले मुझे खत्म कर दे। ज़ैनुल आबिदीन विखार का पहाड़ है, कोई खौफ नहीं, कोई हुज़्न नहीं, कोई बलाल नहीं। किसके साहिबजादे हैं? हुसैन के साहिबजादे हैं। मालूम है अब्बा जान ने इतनी कुर्बानियां क्यों दी? इनको जाहिरी खुबत भी थी, बातिनी खुबत भी थी, लेकिन ये कुर्बानियां रायगा नहीं थी, मकसद के तहत थी, मुतालबे के तहत थी। कहा इब्न ज़ियाद तुझे अगर ये समझता है कि इनसे खराबदारी है तो अब यजीद के पास जब इनको भेज रहा है तो किसी नए नेक सालेह मुसलमान को साथ देकर भेज। कहा कि ये तुम ही चला जाओ। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन और ये लुटा पिटा खानदान कैदियों की शक्ल में कूफे से शाम को रवाना हो रहा है। सरे अंदर तेजे पर है और दरे दरबार में जब तश्त में इब्न ज़ियाद के सामने सरे अंदर रखा गया है, इब्न ज़ियाद अपनी लकड़ी लेकर इमाम आलिम खान के मुकद्दस होठों को छू रहा है। हजरत ज़ैद इब्न अरखम रजी अल्लाह तआला ज़ईफ सहाबी, उनसे देखा नहीं गया, उससे से बाहर हो गए। फरमाया है इब्न ज़ियाद अपनी नापाक लकड़ी को इस मुबारक होठों से निकाल दे, मैंने अपने आखा को देखा इन मुबारक होठों को चूमा करते थे वो शखी जो सराफा जुल्म शकावत का मुजस्सम बना हुआ था। कहा तुम्हारी ज़ईफी ना होती तो मैं तुमको कत्ल कर डालता। वहां से काफिला रवाना हुआ मुल्क शाम की तरफ, और ये मुकद्दस खानदान नबूवत के होश सूरत शहजादियां बेपर्दा शाम तक गई, और ले जाने वाला यजीद के दरबार में पुकारा कि अभी उन मोमिनीन को फतह मुबारक। कहा क्या बात है? कहा हुसैन कत्ल कर दिए गए, पूरी फतह हो गई, सरे अकदस लाया गया। एक रिवायत में यह आया है कि यजीद ये सुनते ही कहा कि मैं खतों के वास्ते नहीं कहा था, और दूसरी रिवायत में यह है कि पहले खुशी का इजहार किया लेकिन बाद में लानत मलामत होने लगी तो फिर पैसे मानी का इजहार किया। सरे अकदस रखा हुआ है। इतने में यजीद के घर में मालूम हुआ दो तीन तीन रिश्ते हैं आपस में। यजीद की बीवी बुरखा पहनकर भरे दरबार में आ गई, पूछने लगी कि ए यजीद क्या हुसैन हुजूर के लगते जिगर शहीद हो गए? यजीद ने कहा इतने मर जाना पर अल्लाह लानत करे। उसने उजलत से काम लिया, काश के वो मेरे पास आते या मैं वहां रहता उनको बचा लेता। यजीद के घर में कोहराम बज गया, पहला मातल हो रहा है यजीद के घर में हो रहा है। दो ढाई महीने यजीद के पास ये खानदान रहा,
उसके बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बुलाकर यजीद उनको रुख्सत किया। नौमान इब्ने बशीर की सरकर्दगी में एक लश्कर ये टूटे फूटे काफिले को लेकर मदीना आया। मदीने से जब एक काफिला निकला था, हजरत हुसैन उसके सरदार थे, हजरत अली अकबर भी थे, हजरत कासिम भी हैं, हजरत आउन भी हैं, बात तो अहले बैत के सितारे इसके अंदर मौजूद थे। मदीने का दरो दीवार रो रहे हैं, लेकिन खुदा का इंतखाब आखिरत में है। लेकिन इमाम आले मुकाम का इंतखाब मौरखीन ने लिखा है कि दुनिया ही में लिया गया। मुख्तार सखफी जैसे बदअकीदा इंसान को हुसैन के इंतखाब के लिए खुबत दी गई, वो कहा मुझे सिर्फ हुसैन के कत्ल का इंतखाब लेना है। 50,000 आदमियों को कत्ल किया उसने, शिमर को काट के, उसके सर को काट के, कुत्तों को उसका गोश्त खिला दिया। इब्ने ज़िया औरतों का लिबास पहनकर भाग गया और इब्ने साद को मार डाला। गजल गरज के जितने लोग इमाम अली मुकाम के खिलाफ निकले थे या मदद किए थे, दुनिया में सजा होगी। एक शख्स ये कह रहा था, भाई के लिए चराग के पास आया, एक शोला भड़का उस पर जल गया। तो रब्बुल आलमीन अगर यहां इंतखाब ना मिल लेते तो आखिरत में इंतखाब लोगों का लाजमी था। और यजीद को क्या मिला सिवाय साढ़े तीन साल तक खिलाफत उसको मिली, वो भी टूटी फूटी। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर आधी खिलाफत में कब्जा कर लिए, उसके बाद पेट में दर्द होने लगा, मुख्तलिफ मुसीबतों मुब्तला होकर दुनिया से वो भी रुख्सत हो गया। ए अल्लाह हमको सहाबा की अजमत के साथ अहले बैत अतहार की मोहब्बत से हमारे ईमान को काबिल फरमा दीजिए। अल-फातिहा। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پروردگار آیت صاحب سورۃ الصبح اہل بیت اطہار شہداء کربلا کی ارواح پاک کس کے ثواب جمیع مومنوں کے ثواب. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ومن كل داء شفاء وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة عند الحساب ونصيبا من الجنة. اللهم اجعلنا من الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.